देखते हैं आज की खास खबर। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या प्रकरण, बाबा राम रहीम दोषी। पंचकुला हरियाणा। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या प्रकरण में पंचकुला के विशेष सीबीआई न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को दोषी बताया है। इस प्रकरण की शिक्षा न्यायालय की ओर से 17 जनवरी को सुनाई जाएगी। सुरक्षा मुद्दे पर से राम रहीम को न्यायालय में हाजिर न करते हुए उन्हें कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमा न्यायालय कामकाजों में समाविष्ट करने में आया। इस मुकदमे के चलते न्यायालय में और जेल में पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम यह डेरा सच्चा सौदा के माध्यम से किए हुए काले कारनामों पर प्रकाश डालने का काम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कर रहे थे। उनका एक वृत्त पत्र था जो कि हरियाणा राज्य और विशेषतः राम रहीम के प्रसिद्ध स्थानों पर प्रकाशित किए गए इन बातों का गुस्सा मन में रखकर पत्रकार की हत्या की गई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति इनके लड़के ने उनकी मृत्यु के बाद न्यायालय में अपील की और न्याय प्राप्त किया। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति यह अपने पूरा सच इस समाचार पत्र में राम रहीम के काले कारनामों पर प्रकाश डालते थे। उन्हें गोलियां मारकर हत्या की गई। यह प्रकरण साल 2002 में हुआ। आज 16 वर्षों बाद मुकदमे का जो परिणाम मिला है उसे रामचंद्र छत्रपति के परिवार के लोग खुश हैं। अनेक महिलाओं पर लैंगिक अत्याचार करने वाला बाबा राम रहीम दो बलात्कारों के मामले में दोषी पाया गया। उसे गिरफ्तार करते ही उसके भक्तों ने बड़ा हिंसाचार फैलाया था, कई तो मारे गए। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज लाइव के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।